खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां बलिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नाराजगी जाहिर की है और कहा कि बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्मृति ईरानी का बयान है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक घंटे कार्य ही करती हैं, उस हिसाब से उनका मानदेय अधिक है। इस बात को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफी नाराजगी जताई है और कहा कि स्मृति ईरानी का बयान का हम लोग निंदा करते हैं। अगर स्मृति ईरानी अपने बयान को वापस नहीं लेती है तो हम लोग उनके बयान के खिलाफ आंदोलनात्मक रणनीति अपनाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहती हैं पूनम यादव जिलाध्यक्ष आंगनबाड़ी एवं श्वेता मिश्रा मंत्री आंगनबाड़ी। जी अपना परिचय बताएं। मैं जिलाध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी से हूँ। आज किस तरह का पत्र का दिए हैं, क्या है पूरा मामला? जो हमारी बाल विकास मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने 8 तारीख को एक वक्तव्य दिया जिसमें हमारी बहनें बहुत मतलब बहुत उम्मीद के साथ उनके पास गई थी कि कुछ वो मानदेय बढ़ाते, लेकिन इसके उल्टा उन्होंने कहा कि आप लोग केवल मात्र एक घंटे का काम करती हैं, उसके हिसाब से आप लोगों का मानदेय बहुत ज़्यादा है। अतः इन शब्दों की हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और माननीय मंत्री जी से हम लोग पूछना चाहते हैं कि कृपया वो बता दें कि कौन सा समय वो हम लोग के लिए एक घंटा वो निश्चित कर रहे हैं कि वही एक घंटा हम लोग क्यों काम करें। हम लोग माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि वो अपने शब्द को वापस लें, हम लोगों के कार्यों को अनदेखा ना करें। अगर मंत्री अगर बयान नहीं वापस लेती हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? हम लोगों का आंदोलनात्मक रणनीति अपनाएंगे उनके बयान के खिलाफ। जी एक पर्चा बताएं। मेरा नाम श्वेता जी, आज क्या है पूरा मामला? अभी आप लोग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। मामला ये है कि सभी लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी के साथ तक सारे विभागों का बोझ लेके चल रहे हैं और बिना आंगनबाड़ी के किसी भी कोई भी जो शासन का कार्य है वो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय स्मृति ईरानी जी जो बाल विकास पुष्टाहार मंत्री भी हैं और एक औरत है, औरत होने के साथ साथ उनको इस चीज़ को, इस दर्द को समझना चाहिए कि एक महिला घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, उसके काम को आप महत्व नहीं दे सकते हैं तो निंदा भी मत करें। उन्होंने कहा है कि आप एक घंटे कार्य करती हैं और एक घंटे कार्य के एवज में आपको बहुत अधिक मानदेय मिलता है, वो बहुत है आपके लिए। आप ये बताइए कि 5,000-6,000 में क्या कर सकते हैं? आप बच्चे का ना पालन पोषण कर सकते हैं, ना आप उसको एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना उसको खान पान का कोई अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए उनको सोचना चाहिए, उसी के लिए हम लोग उन्हें बैठा। बयान वापस ले, माफ़ी मांगे और नहीं तो आगे जो होगा वो जग जाहिर है।